प्रदेश की गाडरवारा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 52वां जन्मोत्सव मानव सेवा के रूप में मनाया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 52वां जन्मोत्सव मानव सेवा के रूप में मनाया गया है, जिसमें पूर्व विधायक साधना संस्थापक पहुंची और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बनाए गए मानव सेवा पद पर चलने की अपील भी की है। और आज हमारे युवा नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जन्मदिन हम लोग मिनेंद्र डागा जी के नेतृत्व में मना रहे हैं। हमारे दो युवा साथियों के भी जन्मदिन है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष हमारे नेता कैलाश जी के नेतृत्व में हम लोग फल वितरण, खिचड़ी वितरण, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि ये नववर्ष हिंदुस्तान के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, यही हम सब कामना करते हैं। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री, सदैव हमारे हृदयंगम रहने वाले परम आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का 52वां जन्मदिन है। और आज हम सब ने ये संकल्प लिया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि उनका जन्म दिवस जो है हम लोग सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी तारतम्य में आज शासकीय चिकित्सालय गाडरवारा में सुबह खिचड़ी का वितरण माननीय कैलाश सोनी जी और अभिलाष मिश्रा जी के और पूर्व विधायकों के और कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर वृक्षारोपण, तत्पश्चात फल वितरण, जो हमारे दो कार्यकर्ताओं का यहाँ जन्मदिन भी है आज, वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और शाम को आज कम्बल का वितरण और भोजन प्रसादी स्टेशन पर असहाय वर्गों के लिए रखा है। तो आज पूरा दिन जो है सिंधिया जी का जन्मदिन हम सब लोग सेवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना जन्मदिन मानव सेवा के रूप में मनाते आ रहे हैं और दूसरों के प्रति समर्पित सिंधिया की एक छवि उन्हें सबसे अलग बनाती है। यही कारण है कि सिंधिया आज जन जन में लोकप्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट न्यूज।